अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है, मॉडल पेपर नंबर 5, जिसके 50 एमसीक्यूज हमने कल किए थे, तो 50 से आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न के मुताबिक बनाया गया पेपर है, और इस तरह के मज़ीद पेपर भी अपलोड किए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तो अब मैं इस पेपर को सॉल्व करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप ये पांचों पेपर जो हैं वो व्हाट्सएप पे हासिल करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी दिया गया है, तो वो आप फीस अदा करके पेपर जो है व्हाट्सएप पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर को। क्वेश्चन नंबर 51 है, दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी स्कूल सब्जेक्ट मस्ट बी टीचर ड्राइव्ड, जनरल इन नेचर, डिटरमाइंड बाई सब्जेक्ट मैटर, दी बेसिस फॉर कंटेंट एंड क्लास एक्टिविटीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दी बेसिस फॉर कंटेंट एंड क्लास एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 52 है, दी गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी गेटिंग सर्टिफिकेट, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ट्रेनिंग टू मेक अ लिविंग, एक्वायरिंग नॉलेज स्किल एंड हैबिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 53, द इम्फेसिस इन द क्लास रूम शुड बी नीड ऑफ द होल क्लास, द नीड ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, द सब्जेक्ट मैटर, द टीचिंग मैथड। द इम्फेसिस इन द क्लास रूम शुड बी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द नीड ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 54, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीन क्रिएटिंग ए डिस्प्यूट, रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट, क्रिएटिंग हेल्दी एटमोसफेयर, क्रिएटिंग अनहेल्दी एटमोसफेयर। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट। क्वेश्चन नंबर 55, मेथड ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज कॉन्सिलेशन, मेडिटेशन, लिजिटेशन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 56, टेकिंग अ बुक ऑफ अनदर चाइल्ड विदाउट परमिशन क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम, कोऑपरेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आसान आंसर बनता है ऑप्शन ए, कन्फ्लिक्ट। ये कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस होते हैं, इसको आप लोगों ने लाजमी देखना है। क्वेश्चन नंबर 57, टीचर प्लेज रोल इन मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन इज नॉट द डोमेस्टिक इशू, म्यूचुअल कैशेज फॉर पेरेंट, म्यूचुअल क्लैशेज फॉर पेरेंट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, क्लैशेज विद नेबर्स, विच इज़ नॉट द डोमेस्टिक इशू। तो किस इशू को हम डोमेस्टिक इशू नहीं करेंगे कहेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा क्लैशेज विद नेबर्स। क्वेश्चन 59, व्हाट इज टीचिंग, अ प्रोसेसिंग ऑफ चेंजिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग व्यूज, अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन डिजायर डायरेक्शन, इट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन टीचिंग मॉडल, डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एंड इवेल्युएशन। तो इसका राइट आंसर बनता है ये, ऑप्शन ए है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरिंग बिहेवियर, ऑप्शन सी है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, और ऑप्शन डी है, इवेल्युएशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स का तयन किया जाएगा, तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। क्वेश्चन 61, हिंड्रेंस इन अचीविंग प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचर इज, कोड ऑफ एथिक्स, इम्प्रूवमेंट इन एडमिशन टेक्निक, एक्सटेंशन इन ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन, लो सैलरीज।
तो लोग टीचिंग प्रोफेशन में लोगों के काम आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा लो सैलरीज। द पॉइंट इन फेवर ऑफ द प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचर इज लो सैलरीज, लो इंटरेस्ट, लो रिगार्ड इन सर्विस एजुकेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सर्विस एजुकेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, पॉलिटिकल एक्टिविटी। विच वन इज नॉट द राइट ऑफ टीचर? प्राइवेट ट्यूशन, टीचर ट्रेनिंग, इन सर्विस एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर बनेगा, विच वन इज नॉट द राइट ऑफ ए टीचर? तो इसका आंसर बनेगा प्राइवेट ट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 65, इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स कंटिन्यूस हेल्प, प्लानिंग, मोटिवेशन, सजेशन। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, प्लानिंग। इफेक्टिव टीचर रिक्वायर कंटिन्यूस प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 66, इन यूनिवर्सिटीज द लेक्चरर अपॉइंटेड इन बेसिक स्केल 16, 17, 18 या 19। यूनिवर्सिटीज़ में जो लेक्चरर अपॉइंट होते हैं उनका स्केल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18। विच वन इज नॉट द टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन? डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डिवेलपमेंट, प्रोवेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। ये बनता है पाइट, PIT। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि पाइट किस का एब्रीवेशन है, एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है पाइट। उसके बाद ऑप्शन सी है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इनमें से कौन सा इदारा जो है वो टीचर ट्रेनिंग नहीं करवाता? तो इसका राइट आंसर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 68, थ्योरी प्रोवाइड डायरेक्शन टू कंसेप्ट, परसेप्शन, प्रैक्टिस, प्रोसेस। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, प्रैक्टिस। थ्योरी प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 69, इन प्लानिंग फॉर टीचिंग प्रोफेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज इंटरेस्ट, एबिलिटी, रिकग्निशन, इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, इंटरेस्ट। अ ग्रुप ऑफ लर्न्ड पीपल द मेंबर ऑफ विच एग्री टू अबाइड बाई स्पेसिफिक रूल्स ऑफ कंडक्ट वाइल वर्किंग इज वेजिस, वोकेशन, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, प्रोफेशन। क्वेश्चन 71, डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डिवेलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस, रिक्रूटिंग पर्सनल्स, मैनेजिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन, प्लानिंग टू इन्हांस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर बनता है 71 क्वेश्चन का ऑप्शन मैनेजिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 72, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू पर्सन हु। प्री सर्विस ट्रेनिंग किसको करते हैं? आर विलिंग टू वर्क, आर ऑलरेडी सर्विंग, आर ऑलरेडी इन टीचिंग, वांट टू बिकम फ्यूचर टीचर। क्वेश्चन नंबर 73, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर, टू मेक देम बिजी, टू यूज फंड, टू मेक देम सेट डिसिप्लिन। तो इसका राइट आंसर रह रहे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 74, द रोल ऑफ टीचर एज प्रैक्टिशनर मीन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटेंट, नॉट यूजिंग मेथड टू इंगेज द स्टूडेंट, नॉट यूजिंग द कंटेंट। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, the main purpose of directorate of staff development is curriculum development, teacher training, assessment या research। तो DSD का main purpose क्या है? teacher training। option B इसका right answer होगा। उसके बाद है ये, sorry, इसका 75 का जो ठीक आंसर बनता है ये बनता है रिसर्च होना चाहिए इसका आंसर। इसमें अगर किसी किस्म का कोई डाउट हुआ तो उसको हम जो है कमेंट में क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन 76, नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन बिलोंग्स टू पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या इंडिया। NEA ये टीचर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका तल्लुक किस कंट्री के साथ है? तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर
77 आर टीचिंग फॉर मोस्ट ड्यूटी ए टीचर फॉर मोस्ट ड्यूटी इज टू डिवेल्प रिलेशनशिप विद हेड्स ट्रेन स्टूडेंट्स प्रॉपरली चाइल्ड रिलेशनशिप विद बिल्ड रिलेशनशिप विद कम्युनिटी टू लुक आफ्टर स्कूल प्रॉब्लम्स ए टीचर फॉर मोस्ट ड्यूटी इज टीचर की सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी ट्रेन स्टूडेंट्स प्रॉपरली क्वेश्चन 78 द अमेरिकन फाउंडेशन ऑफ टीचर AFT वॉज फाउंडेड इन 1906, 1916, 1926, 1936 तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी 1916 क्वेश्चन नंबर 79 नेशनल यूनियन ऑफ टीचर बिलोंग्स टू पाकिस्तान इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम क्वेश्चन 80 एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर इज रीनेम्ड एज ये रीनेम्ड लिखना था यहाँ पे एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर इज रीनेम्ड एज डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट पाइट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन तो इसका राइट आंसर बनता है डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट क्वेश्चन 81 नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान इज ये यहाँ से जीके के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं पाक पीके या नन ऑफ देम तो इसका जो पाकिस्तान का नेशनल कोड है ये है पीके क्वेश्चन नंबर 82 वेयर इज द वारसिक डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड खैबर पख्तूनख्वा पंजाब सिंध या बलूचिस्तान वारसिक डैम कहाँ पर है तो इसका राइट आंसर है खैबर पख्तूनख्वा क्वेश्चन नंबर 83 शकरपरियाँ इज सिचुएटेड इन इस्लामाबाद रावलपिंडी मरीज या पिशावर तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इस्लामाबाद क्वेश्चन 84 आइडेंटी दी लार्जेस्ट कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान खारियाँ कैंट क्वेटा कैंट उकाड़ा कैंट या कराची कैंट तो सबसे बड़ा कैंट कौन सा है पाकिस्तान का तो इसका आंसर है खारियाँ कैंट क्वेश्चन नंबर 85 विच सिटी ऑफ पाकिस्तान हेल्ड द OIC कॉन्फ्रेंस इन 1997 में OIC कॉन्फ्रेंस किस सिटी में हुई इसका राइट आंसर इस्लामाबाद क्वेश्चन 86 इन विच ईयर OIC वाज फाउंडेड OIC किस साल में कायम हुई तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1969 में OIC को कायम किया गया क्वेश्चन नंबर 87 लेंथ ऑफ कॉमन बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉमन बॉर्डर की लेंथ कितनी है तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 88 द कारगिल इंसिडेंट हैपेंड इन 1998 1997 1999 या 2000 तो इसका राइट आंसर होगा 1999 कारगिल का वाक्य 1999 में पेश हुआ क्वेश्चन नंबर 89 द कंट्री असिस्टेड पाकिस्तान इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ संदक प्रोजेक्ट में किस कंट्री ने पाकिस्तान की हेल्प की ईरान सऊदी अरेबिया अफगानिस्तान या चाइना तो राइट आंसर है चाइना क्वेश्चन नंबर 90 व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन लियाकत नेहरू मुहिदा कब साइन हुआ राइट आंसर है 1950 हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्टेट बैंक की फर्स्ट गवर्नर वुमेन गवर्नर कौन थी नूरजहां डॉक्टर शमशाद अख्तर फरजाना राजा या डॉक्टर अशरफ आबासी तो राइट आंसर है डॉक्टर शमशाद अख्तर क्वेश्चन नंबर 93 मीरपुर इज़ द फेमस सिटी ऑफ KPK पंजाब आज़ाद कश्मीर या नन ऑफ दीज तो इसका राइट आंसर होगा आज़ाद कश्मीर क्वेश्चन नंबर 94 GHQ स्टैंड फॉर जनरल हेडक्वार्टर जनरल हाई क्वार्टर जनरल हाई क्वार्टमास्टर नन ऑफ दैम तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनरल हेडक्वार्टर क्वेश्चन 95 KRL स्टैंड फॉर KRL का मतलब होता है स्टैंड फॉर है क्वेटा रिसर्च लेबॉरटरीज क्वेश्चन नंबर 96 द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी का पहला चीफ ऑफ स्टाफ इसका राइट आंसर होगा जनरल तका खान क्वेश्चन नंबर 97 जफर अहमद चौधरी वाज द फर्स्ट चीफ एयर स्टाफ ऑफ एयरफोर्स आर्मी नेवी तो इसका राइट आंसर होगा एयरफोर्स क्वेश्चन 89 डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डिफेंस डे किस तारीख को मनाया जाता है राइट आंसर है 6 सितंबर क्वेश्चन नंबर 99 द हेडक्वार्टर ऑफ एयरफोर्स इज लोकेटेड इन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका राइट आंसर है इस्लामाबाद क्वेश्चन नंबर 100 द हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक ऑफ एयरफोर्स इज एयरफोर्स में सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सा होता है एयर चीफ मार्शल का तो ये पेपर नंबर 5 था
अगर आप लोग ये 500 पेपर जो हैं वो PDF फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं या गूगल फॉर्म में, दोनों में, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।